ऐसे चक्करों में नहीं पड़ते, ऐसे कह देता है या मेरे फलाने दिल बहुत मेरे पीछे पड़े रहे, मैंने तब भी नहीं किया, ऐसे कह देता है, तो वी फील इंसल्टेड। तो अगर आपकी जाते जो है, जब बिजनेस आपका एक लेग में भी बिजनेस आपका शुरू होने लगा और आपके सम्मान होने लग गया, तो आपको अपनी फ्रंट लेग डालने में दिक्कत होगी। इसीलिए ये जो फ्रंट लेग वाला काम है, ये जितनी जल्दी आप निपटा लें उतना बढ़िया होगा। ये मत सोचिए, कई लोगों को मैंने देखा है, अरे जब थोड़ा बिजनेस चल जाए ना तब हम अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, या रिश्तेदार भी कहते हैं थोड़ा आपका चल जाए तो हम भी करेंगे, अगर हमारे चल गया तो हमारी जरूरत क्या होगी, ऐसे बोलो उनको, हमें आपके सहयोग की आज जरूरत है, आप हमारा आज हौसला बढ़ाए, ये हमें जरूरत है, ना कि जब हमारा बिल्कुल डायमंड बन जाएंगे तब आप कहोगे कि हाँ लाओ हमको स्पॉन्सर कर दो, ऐसा थोड़ी। कई लोग सोचते हैं नहीं हम अपने रिश्तेदारों को बताएंगे ही तब जब हम कुछ कर लेंगे, इसका मतलब क्या है? अगर कोई ये कहता है कि साहब हम अपने रिश्तेदारों को अपने नजदीक वालों को तब बताएंगे जब हम कुछ करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको संदेह है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब आप श्योर हैं डायमंड बनने के लिए तो क्या दिक्कत है रिश्तेदारों को अभी से बताने से। लेकिन अगर आप 100% श्योर नहीं है तो आप ये स्थिति डामाडोल होगी। ऑल आउट एफर्ट्स करिए, इतना सा भी कहीं जगह शेष ना रह जाए जहां पे काम हो सकता था और काम नहीं हुआ। हमें याद है हम शुरुआत में जब इस बिजनेस को कर रहे थे तो हम एक भी अगर हमें आदमी के स्पॉन्सर होने की उम्मीद हो गई तो हम महाराष्ट्र तक चले जाते थे, हमें कानपुर से दिल्ली तो ऐसा लगता था जैसे कुछ दूरी ही नहीं है, एक भी कहीं उम्मीद हो गई। लेकिन मैं देखता हूं कुछ लोग दूर है, जाना चाहिए कि नहीं जाना। हाँ देखिए मैं फिर बता रहा हूं, आपका हर एक आदमी का बिजनेस अपना अपना अलग तरीके का बिजनेस है, आपका अपलाइन जो है, आपका अपलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो आपको अच्छी तरीके से जानता है, आपका कहाँ काम करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, या आपका अपलाइन एंड्रॉइड, तो मेरे वो स्टेज से काउंसिल मत कीजिए। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर मुझे इतनी सी भी कहीं उम्मीद की किरण दिखती थी तो मैं उसको पूरा एक्सप्लोर करता था, लेकिन आज मैं लोगों को देखता हूं एक्सप्लोर नहीं करते, सेलेक्टिव हो गए हैं। सेलेक्टिव मत होइए, क्योंकि इस बिजनेस में डायमंड सिलेक्शन से नहीं निकलेगा, डायमंड हमेशा वो व्यक्ति बनेगा जो लगेगा नहीं कि डायमंड बनेगा। मुझे आज भी याद है जब हम ब्राठौर जी को स्पॉन्सर करने गए थे, कितनी बार इनको पकड़ पकड़ के लाते थे और इनको खूब मोटिवेट करते थे, ये मुस्कुराते रहते थे, हमको ना ये समझ में आता था कि ये मोटिवेटेड है कि ये डीमोटिवेटेड है, और फिर मालूम पड़ा चला कि फिर बोलोगे, फिर पकड़ के लाए, फिर मोटिवेट किया, फिर मालूम पड़ा फिर बोलोगे, क्योंकि आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं इनके घर में डेरा डाल देता, सुबह तक वहीं सोता वहीं खाता हूँ, कहते चलो भाई अगर मुझे पता होता कि आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो आप जो है जो आपके बिजनेस बड़ा करेंगे उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते शुरुआत में, इसीलिए एक तरफ से एक्सप्लोर करिए हर एक के साथ, अपने बिजनेस को वाइटल साइन के हिसाब से करिए। जैसे मैं बताऊं आपको कि मेरा मैं अपना कहना है कि इस बिजनेस में डायमंड बनना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में मानसिक रूप से बने रहना सबसे मुश्किल काम है। अब अगर आप मानसिक रूप से इस बिजनेस में बने रहना चाहते हैं तो आप अपने आप को उत्साहित कैसे करेंगे? हर वाइटल साइन का अलग अलग रोल है, हर वाइटल साइन का अलग अलग रोल है। मुझे आज भी अगर आप बीवीएस नंबर बढ़ा दीजिए आपका पीवी बढ़ जाएगा, बीबीएस नंबर आपके तब बढ़ेंगे जब आप उत्साह आपकी टीम उत्साहित होगी,
आपकी टीम तब उत्साहित होगी जब उनका स्वास्थ्य सही होगा, यानी वाइटल साइन आपके सही होंगे। बीबीएस मोटिवेशन बढ़ाता, बीबीएस फंक्शन नंबर हमेशा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। हाँ, शिक्षा भी होती है उसमें कुछ, लेकिन मैंने देखा है उसमें मोटिवेशन बहुत मिलता है, उसमें उम्मीद आदमी को बहुत मिलती है। सीबी नंबर्स क्या है आपके बिजनेस में, ठहराव दर्शाते हैं कि मोटिवेटेड कितने कितने लोग हैं जो मोटिवेटेड हैं और जल्दी इधर से उधर जाने वाले नहीं है, ये चीज दर्शाती, ठहराव दर्शाती है सीबी। और मुझे आज भी याद है जब मेरी फर्स्ट टाइम जो है जिम डॉनन से और नैंसी से जब काउंसलिंग हुई, जब मैंने उनको अपनी वाटर शाइन सीट दिखाई तो उन्होंने एकदम से देखते ही मुझे बोला कि देख आपके बिजनेस में तो रिलेशनशिप के बहुत चैलेंज आ रहे होंगे। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? बोले ये वाटर शाइन बता रहा ना। क्या वाटर शाइन? क्या आपके आपके ग्रुप में बुक्स तो है ही नहीं? तो बुक्स आपके बिजनेस, अगर बुक्स आपके ग्रुप में पढ़ रहे होंगे लोग तो आपके बिजनेस में डिस्प्यूट्स कम होंगे, आपके आपके बिजनेस में आपके ग्रुप में यूनिटी होगी, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर बिना किताबें होंगे तो एक चला इधर और एक चला उधर। और कैरियर, मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी हुई थी, मेरा सवाला सगा सादा मेरी शादी में नहीं था। क्यों? कहा था कि साहब वो नेवी की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? यानी उसकी सगी बहन की शादी और उसकी शादी में नहीं था। इसका मतलब क्या है कि कैरियर सबसे ज्यादा अहम है इस दुनिया में। हमारे लिए हमारा भविष्य सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि एमवे बिजनेस कर रहे हैं, किस लिए? अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन उसके उसके बावजूद शादियों में और बहुत सारे तमामों में, बर्थडे में, अब मैं जरा ये काम कर लूं, अब मैं जरा ऐसा कर लूं, थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ कर लूं, यहां से मेरी इतनी इनकम फिक्स हो जाए तब मैं करूंगा, और जरा मैं खेती बाड़ी इस समय सीजन चल रहा है जरा वहां चढ़ाऊं। जब तक आप अपने कैरियर को अपनी पहली प्राथमिकता नहीं देंगे, जब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट, पहली प्राथमिकता दीजिए, फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट और कुछ नहीं। यहां तक कि आपके बच्चों का भविष्य को भी दूसरी प्राथमिकता दीजिए अपने भविष्य से। ये मेरा कहना, इट लुक्स ऑड, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं हवाई जहाज में से यात्रा करता हूं तो उसमें लिखा रहता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मास्क नीचे गिर जाएंगे, ऑक्सीजन मास्क, और पहले खुद पहनिए उसके बाद में अपने बगल में बच्चे को पहनाइए। क्योंकि अगर आपने खुद नहीं पहना तो आप बच्चे को पहना नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक आप बच्चे को पहनाए हो सकता है आधे में ही आपका सांस रुकने लग जाए और आप बच्चे को पहना पाए और खुद पहन पाए। तो अगर आपके बच्चों का कैरियर तभी बढ़िया होगा जब आपका कैरियर बढ़िया होगा, जब आपका भविष्य बढ़िया होगा तभी तो बच्चों का भविष्य बढ़िया होगा। इसीलिए बच्चों के भविष्य पर भी अपने भविष्य की प्राथमिकता दीजिए, अपने कैरियर को जीवन में नंबर एक प्राथमिकता दीजिए। देखिए काउंसिल योर अपलाइन, फिर भी मैं कहूंगा काउंसिल योर अपलाइन कहां पे प्राथमिकता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि जब तक हमारे जीवन में हम अपने काम को, अपने एमवे बिजनेस को फर्स्ट प्राथमिकता नहीं देते, जब तक हमारा बिजनेस हो नहीं सकता। थोड़ा सा पैसा आ गया, इसको इधर खर्च कर दे। मैं जिस स्पीड से मैंने एमरल्ड तक बिजनेस किया, अगर मैं उसी स्पीड को मेंटेन रखता तो आज मैं निश्चित रूप से क्राउन होता, निश्चित रूप से क्राउन होता अगर मैं उसी स्पीड को मेंटेन करता। क्यों? मेरा ध्यान कहां चला गया? पैसे को एंजॉय करने में ध्यान चला गया। अब ये पैसा आ गया है, अब इससे मैं इतनी जमीन खरीदूंगा, उसके रेट इतने बढ़ेंगे, अब जा रहे हैं जमीन ढूंढने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, फोकस खत्म। फोकस खत्म तो 11 साल में बैन, और कहा एमरल्ड बनने में मुझे 2.5 साल लगा, 2.5 साल में एमरल्ड और 11 साल में डायमंड, कितनी ऑड बात है। ये पहले हो सकता था। तो अब वाइटल साइन,
मैंने बताया अगर आप मानसिक रूप से बने रहना चाहते हैं तो व्हाइट हेड साइन के साथ से बिजनेस करिए। व्हाइट हेड साइन हमेशा आपको बताएंगे कहां पे कमी आ रही है, क्योंकि जिम डोनर कहते हैं अगर आपके बिजनेस पे 10,000 पीवी हो रहा है और आपकी एप्लीकेशन जो है 5 आ रही है तो बिजनेस डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। एप्लीकेशन भी आपकी कितनी आ रही है उस हिसाब से उसको भी देखना है आपको, कितने ग्रुप में प्लान हो रहे हैं उसको भी देखना है आपको, कितने लोग सीपी पे रजिस्टर्ड हैं आपको उतने उसको भी देखना है, कितने लोग किताब सीरियसली पढ़ रहे हैं आपको ये भी देखना है। आपको हर चीज देखनी होगी, हर चीज देखनी होगी, क्योंकि मैं सीधा सीधा कहता था कि अगर आप देखिए मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं मुझे मालूम है किस तरीके से बिजनेस होता है, फिर भी थोड़ा बहुत क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य है तो इसमें 100% श्योरिटी तो कोई भी नहीं हो सकती लेकिन नियर होगी। आज भी आपका एक बीबीएस नंबर बराबर होगा 100 पीबी। अगर आपके ग्रुप में 100 बीबीएस पे आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से 10,000 पीबी कर रहे हैं। अगर आपका 2,000 का पीबी हो रहा है तो आपके ग्रुप में लगभग 20-25 लोग बीबीएस जा रहे हैं। अगर आपका 1,000 पीवी हो रहा है तो 10 से कमी आपके लोग बीबीएस नंबर जा रहे होंगे। अब देख लीजिए और दूसरी चीज, अब आप ये जो पीवी जो क्रिएट होता है फंक्शन से इसको मैं कहता हूं ये टेम्पररी पीवी है। ये पीवी आज है कल रहेगा नहीं रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप इस पीवी को परमानेंट करना है तो आप 1 CEP इज इक्वल टू मेरे हिसाब से 200 से लेकर के 300 पीवी की रेंज में बैठे। यानी अगर आप 10,000 पीवी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके अगर बीबीएस नंबर 100 हो गए और सीपी नंबर 35 और 50 के बीच में हो गए तो कोई दुनिया की ताकत आपको सिल्वर प्रोड्यूसर या प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम होने से रोक नहीं पाएगी। इन चीजों का ध्यान दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, हर हमेशा कैलकुलेट कीजिए इन सब चीजों को, क्योंकि जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो मुझे मेरे अपलाइन ने सिखाया, हमें सुन जी ने सिखाया कि जब आप लक्ष्य तय करें तो आप किस किस चीज का आप फंक्शन नंबर पहला लक्ष्य वो कहते हैं आप अपने फंक्शन नंबर का लक्ष्य सबसे पहला तय कीजिए कि आप कितने लोग इस फंक्शन में ले। फंक्शन में खाली बीबीएस नहीं, बिजनेस प्रीव्यू भी, क्योंकि बिजनेस प्रीव्यू में कौन लोग आते हैं? जो आते तो सभी प्रोस्पेक्ट भी आते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं, लेकिन डिटरमिंड लोग जो होते हैं, जो निश्चित रूप से बिजनेस में आगे बढ़ने वाले होते हैं, वो प्रीव्यू में हमेशा रेगुलर मिलेंगे आपको, चाहे उनके साथ कोई गायब चाहे कोई ना। 100% डिटरमिंड लोग होंगे वो हमेशा प्रीव्यू में रेगुलर रहेंगे और जो डावाडोल वाले होंगे वो डावाडोल होंगे, कभी आ जाएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी आ जाएंगे कभी नहीं आएंगे, कुछ ऐसे लोग। तो आप हमेशा जो अपना लक्ष्य बनाए महीने का जो आप मंथली लक्ष्य बनाए उसमें इस बार कितने लोगों को मैं फंक्शंस लेके जाऊंगा, कितने लोगों को मैं प्रीव्यू में रेगुलर करने की कोशिश करूंगा, कितने लोगों को मैं सीपी पे डालूंगा। और तीसरा मेरे हिसाब से जो मंथली आप लक्ष्य बना, पहला बीबीएस फंक्शन नंबर, तीसरा आपके ग्रुप में कितने आपके ग्रुप में प्लान होंगे। और इस प्लान में भी कितने व्हाइट बोर्ड पे होंगे और कितने वन वन होंगे। क्योंकि मैंने देखा है लोगों के यहां बिजनेस प्लान हो रहे बिजनेस नहीं कर रहे, बढ़ रहा क्योंकि बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, वह प्लान हो रहे हैं और बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके ग्रुप में लीडर्स नहीं बढ़ रहे हैं। और लीडर्स अगर आपके ग्रुप में नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? लीडर्स अगर आपके ग्रुप में नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके ग्रुप में व्हाइट बोर्ड पे प्लान नहीं दिखाया जा रहा।
क्योंकि व्हाइट बोर्ड लीडरशिप क्रिएट करता है। आप कॉपी पे प्लान दिखा रहे हैं और आप खड़े होकर बोर्ड पे प्लान दिखा रहे हैं, दोनों में फर्क है। क्योंकि बोर्ड पे जब आप प्लान दिखाते हैं तो आपका ग्रुप, क्यों? क्योंकि कोई इंट्रोडक्शन देगा आपका खड़े होकर के। बैठ के इंट्रोडक्शन देना अलग है, खड़े होकर के जब सब आदमियों की निगाह आपके ऊपर है इंट्रोडक्शन देना अलग है। यहीं से लीडर्स बनने की शुरुआत होती है, यहीं से लीडर्स कैसे बना जाए ये शुरुआत होती है। कोई इंट्रोडक्शन देगा, फिर आप लोगों को कहेंगे इंपैक्ट स्टेटमेंट दो, फिर किसी को उठाएंगे कोई बीच में, अरे आइए। कई लोग तो नहीं, मतलब इसको दर्शाते हैं कि इनडिग्निफाइड है, बट सत्यता यह है कि वो शर्म के मारे नहीं खड़े हो पा रहे। यानी एटलीस्ट इससे आपको क्या पता चल रहा है? आपको यह पता चल रहा है कि आपको किस जगह पर कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। व्हाइट बोर्ड आपका, जब आप व्हाइट बोर्ड पे प्लान दिखाएंगे तो आपके पूरे ग्रुप को, एक तरीके से कहा जाए कि पूरे ग्रुप को नंगा करेगा। उसके पूरी कमियां सामने आएंगी जब व्हाइट बोर्ड पे प्लान्स होंगे। जब वन ऑन वन प्लान होंगे तो नहीं पता चल पाएगा। तो ये व्हाइट बोर्ड का जो प्लान है, आप कितने आपके ग्रुप में व्हाइट बोर्ड पे प्लान होंगे और कितने, ये आप काउंट करेंगे। और कितने मैं अपने पर्सनल प्लान करूंगा, आप ये भी काउंट करेंगे कि पर्सनल प्लान, क्योंकि पर्सनल प्लान अगर आप नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। पर्सनल प्लान भी दो तरीके के होते हैं, यानी जो आप दिखा रहे हैं वो भी पर्सनल है और जो आप अपने लिए दिखा रहे हैं वो भी पर्सनल है। क्योंकि आपको अपने लिए भी प्लान दिखाने, अगर आप लगातार अपना इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको पर्सनल अपने लिए प्लान दिखाना। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे एमरल्ड हो, चाहे आप डायमंड हो, चाहे आप कोई भी हो, आप कोई भी हो, अगर आप पर्सनल प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो आप अपने ग्रुप को गाइड नहीं, लीड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने लिए पर्सनल प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो आप उतना विकसित नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली प्लान जो है, आपको हमेशा आज की करंट ऑब्जेक्शन, अगर आप प्लान दिखा रहे हैं तो आपके हमेशा करंट ऑब्जेक्शन आपके टिप्स पे होंगे। आज मार्केट में क्या चल रहा है आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने लिए प्लान दिखा रहे होंगे। कैसे प्रोस्पेक्टिंग के नए नए तरीके रोज इजाद होते हैं। आप में से आप लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं, लेकिन आप अपना नोट करिए, मेरे हिसाब से हर प्लान दिखाने वाले का प्लान 3 महीने के अंदर दूसरा प्लान हो जाता है। अगर आप अपना खुद का प्लान देखें जो आपने 3 महीने पहले दिखाया और आज जो आप दिखा रहे हैं, आप देखेंगे आपके प्लान में परिवर्तन है। मुझे ये काम करते हुए 11 साल हो गए, 11 साल में भी मैं देखता हूं कि हर 3-4 महीने में मेरा प्लान डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लान हमेशा जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो लोगों के हिसाब से, लोगों के ऑब्जेक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। तो ये जो आपके पर्सनल विकास के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। काउंट करिए, चौथा नंबर पे आप काउंट करिए पीवी कितना होगा, कितना ग्रुप में पीवी होगा, कितना पर्सनल पीवी होगा। ये 4 चीजों पे आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। देखिए आपका बिजनेस का डेली काउंट कीजिए। और बीबीएस टिकट मैंने देखा है, जब आप बीबीएस टिकट बेचते हैं तो हमने देखा जब बीबीएस आएगा तो बीबीएस की डेट फिक्स हो गई, 1 हफ्ता बचा है, बीबीएस टिकट प्रमोशन होगी। बीबीएस टिकट आपके पास जिस समय बीबीएस, जैसे आज बीबीएस खत्म हो रहा है तो आपके पास अगले बीबीएस के टिकट आपके जेब में आज होने चाहिए। अगले फंक्शन का बीबीएस नहीं है तो कन्वेंशन सक्सेस जो भी है उसके आपके टिकट आपके जेब में आज ही होने चाहिए। क्योंकि बीबीएस प्रमोट कब होता है? बीबीएस प्रमोट प्रोस्पेक्ट को करते हैं ना। जब आप प्लान दिखाए तो भाई हम ऑप्शन रखते थे, पहला ऑप्शन ज्वाइन हो जाए, नहीं ज्वाइन हुआ दूसरा ऑप्शन बीबीएस टिकट परचेज खरीद ले, क्योंकि अगर बीबीएस टिकट परचेज कर लिया तो हमारी उम्मीद बरकरार है। तीसरा ऑप्शन प्रोडक्ट खरीद ले। हमेशा हम अपने ऑप्शंस देखते थे, हम कौन कौन सा ऑप्शंस रखें। मैं आपको बताऊं,
व्हाट आई लर्न फ्रॉम जॉन मैक्सवेल कि आपकी जो 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 सक्सेस है वो आपके डेली रूटीन में छुपी हुई है. योर सक्सेस लाइज इन योर डेली रूटीन. चेक करिए अपना डेली रूटीन. आप क्या कर रहे हैं डेली? मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से आप पूछे कि डेली आपको रोज क्या क्या करना चाहिए, नंबर वन सुबह उठ के रोज किताब पढ़नी चाहिए, नंबर दो एक सीडी किसी भी समय चलते फिरते कभी भी आप एक सीडी सुनिए, नंबर तीन एक प्रोस्पेक्टिंग कम से कम एक प्रोस्पेक्टिंग आपकी जरूर होनी चाहिए डेली, नंबर चार एक प्लान जरूर होना चाहिए डेली, नंबर पांच किसी से प्रोडक्ट के बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए डेली. ये पांच चीजें आप अपने एजेंडे में शामिल कीजिए. ये पांच चीजें आप अपने एजेंडे में शामिल कीजिए. ज्यादा दिन नहीं, एक वर्ष. आप मैं दावे के साथ कहता हूं यहां पे आप चाहे किसी भी लेवल पे बैठे होंगे एक वर्ष के अंदर आप प्लेटफॉर्म बन जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. जितना आप लोग खोज कर आए थे उससे ज्यादा मिला. आप लोग हाल में बैठे रहे, जिन लोगों को बाहर जाना होगा इधर से जाएंगे क्योंकि पीछे से लोग आएंगे.